हाय गाइस, मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ मेरी करंट मॉइस्चराइजर, दैट इज सेटाफिल डैम। एक्चुअली मैं विंटर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं इसको समर्स में यूज़ कर पाऊंगी। मैंने पहले इसका एक पहले नाम बता देती हूँ, सेटाफिल डैम रेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। और पहले मैंने इसका एक छोटा साइज परचेज किया था एंड वो जैसे ही फिनिश हो गया तो मैंने इसका बड़ा पैक ऑर्डर कर लिया है और मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। तो आप समझ ही सकते हो मैंने रिपर्चेस किया है, दैट मीन्स मुझे अच्छा लगा है, मुझे सूट किया है। और ये है एक्चुअली सेटाफिल डॉक्टर काफ़ी रिकमेंड करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने इतने सारे जो ब्रांड्स के यूज़ कर लिए हैं तो डॉक्टर रिकमेंड भी कुछ डर्मेट रिकमेंडेड ब्रांड यूज़ कर लेती हूँ। सो मुझे काफ़ी पसंद आया। विंटर्स के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा होने वाला है। सो इफ यू इंटरेस्टेड जस्ट चेक द वीडियो। सो गाइज, इसका जो प्राइस है पहले वो बता देती हूँ क्योंकि That's what important, right? इसका जो क्वान्टिटी है दैट इज 100 ग्राम। सो इसका MRP है 475 रुपीज़। बट येस, डिस्काउंट में मुझे थोड़े से कम मिले थे बट ज़्यादा डिस्काउंट नहीं थे। सो या मुझे थोड़ा सा प्राइसी है बट स्किन मतलब वर्थी है, मुझे ऐसे लगते हैं। और ये जो है सेटाफिल का डैम डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन है। एक और है क्रीम वाला, वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि एक्चुअली तो हूँ मैं ऑयली एक्ने प्रोन स्किन की कैटेगरी में ना, विंटर्स है तो थोड़ी इसीलिए मैंने लिया। तो मुझे लगता है वो क्रीमी वाला, अगर आपकी स्किन हद से ज़्यादा ड्राई है तो लीजिए, बट अगर आप मेरी तरह पिम्पल से सफ़र करते हैं और समझ में ऑयली स्किन होती है तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये 48 आवर्स के लिए आपकी जो स्किन है उसको नरिश रखेगा। एंड इसमें है शिया बटर, एसेंशियल विटामिन B3 एंड प्रो विटामिन B5। इसके इंग्रेडिएंट्स में मुझे कहीं पर भी पैराबेन नहीं दिखाया, सो मे बी इट्स पैराबेन फ्री। इसमें कोई एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, ओंट क्लॉक पोर्स, ये आपके जो पोर्स है उसको क्लॉक नहीं करेगा, नॉन इरिटेटिंग है। ये आप अपने फेस पे या फिर बॉडी पे, दोनों चीज़ों जगह पे लगा सकते हो, फेस बॉडी दोनों जगह पे लगा सकते हो। बट फ्रैंकली इतना एक्सपेंसिव चीज़ फॉर्म मैं अपनी बॉडी पे बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ, मैं अपने फेस के लिए लगाती हूँ। इस प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ है दैट इज 3 ईयर्स, क्योंकि ये 22 में मैन्युफैक्चर्ड है और एक्सपायरी डेट है इसका 25 में। बट ओपन करके यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो इसको आपको 18 मंथ्स के अंदर यूज़ करके ख़त्म कर देना है। 18 मंथ्स यानी कि 1.5 ईयर। सो करेंटली आई एम यूजिंग इट एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू गाइज। फर्स्टली समर्स के बिल्कुल एंडिंग में, सब विंटर्स की स्टार्टिंग हो रही थी, तब से मैंने इसका जो छोटू सा पैकेट है मैंने आपको शॉर्ट्स में भी दिखाया, वो यूज़ करना स्टार्ट किया एंड आई रियली लाइक दैट वन। गाइस, अगर आप ये मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहते हो या फिर कर रहे हो तो आपको पता है, अगर आप करना चाहते हो तो आई विल से वन थिंग, बहुत कम क्वांटिटी में लगाइएगा क्योंकि ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। और फ्रैंकली मैं इसको सिर्फ जब मैं घर में ही होती हूँ, कहीं पे निकलना नहीं होता है सब, तो मैं सिर्फ नहाने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी लेके लगा लेती हूँ एंड दैट्स इनफ। उसके बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा ड्राइनेस नहीं फील होता है। सो दैट्स अ गुड। अगर आप कोई चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसी चीज़ हो तो अगर वो अच्छा काम करता है तब अच्छा लगता है कि नहीं ये वर्थ इट है, पैसा जो मैंने दिया है वो वर्थ ही है, वेस्ट नहीं हुआ है। सो दैट्स अ गुड पार्ट, ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। बट अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, मेरी जो स्किन की कभी ड्राई हुई है, मतलब मेरी स्किन की भी जो मुझे नीड्स के अकॉर्डिंग कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे स्किन को इनफ मॉइस्चराइज नहीं करता, तो मुझे लगता है ये मेरे स्किन के हिसाब से इनफ मॉइस्चराइजिंग है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा आपको ड्राइनेस फील हो रही है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाओ, जैसे कि मैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कभी भी लगा लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वो ग्रीसी लगता है। बट ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ना ही ये चिपचिप करता है, बहुत कंफर्टेबल है। और अगर आप थोड़ा सा क्वांटिटी में लगाते हो जैसे कि मैं लगाती हूँ तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड भी रहता है एंड कोई चिपचिप ग्रीसी कुछ भी नहीं करता है। पहले जब मैं छोटी थी बिल्कुल भी क्रीम लगाने का मन नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था स्किन थोड़ा सा डार्क लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, अगर आप इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी जो केमिकल पील यूज़ कर रही हूँ अपनी फेस पे तो उसके बाद भी मैं यही मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ उस टाइम पे क्योंकि केमिकल पील के बाद स्किन थोड़ी सी ड्राई फील करती है। जैसे कि अभी आज मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा कर दिया। तो इसी इस हिसाब से जैसे आपकी स्किन की कंडीशन उस हिसाब से आप लगाइए, अदरवाइज अगर नॉर्मल स्किन है
तो क्योंकि मैं सेटाफिल का फेस वॉश यूज़ कर रही थी ऑन द एंड यही मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही थी, तो मेरे स्किन इस विंटर्स में उतना ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ. मैं बहुत कम ही क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ एंड दैट कम क्वांटिटी दैट लेस क्वांटिटी इज़ एनफ टू मॉइस्चराइज माई फेस. सो आई एम हैप्पी विद दिस मॉइस्चराइजर. मैं सनस्क्रीन के पहले भी यही मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, मेकअप के पहले भी अभी यही मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और मुझे ये मॉइस्चराइजर बहुत पसंद आया. कुछ टाइम पहले मैंने प्लम ग्रीन टी मॉइस्चराइजर का आपके साथ रिव्यू शेयर किया था एंड वो भी फ्रेगरेंस फ्री था, ये भी फ्रेगरेंस फ्री है. मुझे लगता है प्लम वन विल बी गुड फॉर समर्स और ये विंटर्स के लिए अच्छा है, बट आई डोंट थिंक कि मैं इसको समर्स में उतना ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगी क्योंकि समर्स के क्योंकि लास्ट में मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो मुझे जब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी लगाया था तो मुझे लगा था कि फेस वैसे स्वेटी हो रहा है. तो समर्स के लिए मैं नहीं बोल सकती, बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं समर्स में इसको बहुत कम क्वांटिटी करके यूज़ करूँ क्योंकि समर्स में हमारे यहाँ इतना ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस टाइम पर रियली इट विल बी हार्ड टू यूज़ अ यू नो वेरी गुड मॉइस्चराइजर. उस टाइम पे थोड़ा सा लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, बट फिर भी आई विल ट्राई. बट विंटर्स के लिए परफेक्ट है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, पिम्पल प्रोन है, ड्राई भी है, तो आई थिंक गाइज यू कैन ट्राई इट. इसके जो क्रीम है वो उसको मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरी स्किन एक्चुअली ऑयली एक्ने पिम्पल प्रोन से बिलोंग करता है. विंटर्स में तो ऑफकोर्स थोड़ी सी ड्राई होती है, तो मैं समर्स में भी मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ क्योंकि CTM इज अ बेसिक नीड फॉर अवर स्किन. सो ओवरऑल आई लव दिस एंड आई विल रिपर्चेज इट आई थिंक इन विंटर ऑल्सो. और ये देख रहे हो आप कितना बड़ा ट्यूब है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये फिनिश वगैरह भी होने वाला है, मतलब होगा अभी तो नहीं, मुझे लगता है ये 6 मंथ तो चल ही जाएगा, इसलिए मैंने इसको परचेज किया. सो आई लव इट. ऑलरेडी परचेजिंग भी मैंने आपको बोल दिया कि मैंने ऑलरेडी इसको रिपर्चेज किया. सो विंटर्स के लिए आप बिना सोचे विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट गो फॉर इट. इट्स वेरी 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 गुड, वेरी गुड. मॉइस्चराइज भी अच्छे से करता है, ना ही मेरे स्किन को इरिटेट करता है. सो आई लव दिस, इट्स अ थम्स अप. सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये चीज़ लेना है सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया है. सो या मेरे तरफ से इसके लिए थम्स अप, यू कैन गो फॉर इट. सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट. सो आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर, बाय.